और आज पटना में होगा लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। आज सुबह 9:40 की फ्लाइट से शव को पटना ले जाया जाएगा। पटना में राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का होगा अंतिम संस्कार। 72 वर्ष की उम्र में शारदा सिन्हा ने कल रात 9:20 पर अंतिम सांस ली थी और अपनी मधुर आवाज का जादू प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा ने कुछ इस कदर बिखेरा कि उनके निधन से शोक की लहर पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में दौड़ पड़ी, क्योंकि बिहार में लोक गीतों को मैथिली और भोजपुरी में अपनी आवाज दी। 1952 में 1 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था और प्रसिद्धता उन्हें 1978 में अपने प्रसिद्ध गायन उघो सूरज देव से मिली थी। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत राजनीतिक जगत की हस्तियों ने दुख प्रकट किया है। बताया गया कि कई दिनों से उनकी स्थिति नाजुक थी और सोमवार रात को ही उन्हें वेंटिलेटर में शिफ्ट किया गया था। उनके पुत्र की ओर से पोस्ट भी की गई थी और उन्होंने बताया था उनके स्वास्थ्य को लेकर कि वेंटिलेटर पर शिफ्ट है, और ये भी कहा था कि अब आने वाले समय थोड़ा सा कठिन और बेहद मुश्किल है, प्रार्थना करें, ये कहा था। लेकिन अब हमारे बीच वो नहीं रही, कल उनका निधन हो गया।